उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका हमारे चैनल रेखा प्रहलाद पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून शहर से। और अभी धूप तो अच्छी खासी लगी, पर लेकिन हवा भी चल रही है। 2 दिन से थोड़ा हल्का हल्का मौसम है, पर गर्मी शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। और अभी हम जा रहे हैं होलिका बनाने के लिए। तो होलिका जहाँ पे बनेगी वहाँ पे थोड़ा पहले साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी। दोस्तों, ये फ्लावर मेरे फ्रेंड के घर के बाहर लगे हुए हैं। उसने अपने घर के बाहर गमले रखे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। आजकल गर्मियों में सारी जगह फ्लावर ही फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, इसका नाम बॉटल ब्रश नाम से है, ये जो फ्लावर खिले हुए प्लांट। और इन ये नीचे की तरह लटकते रहते हैं और इसी में टहनियों में फ्लावर लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं इसमें। और ये जो देखिए, जैसे ये फ्लावर है तो ये ब्रश की तरह है, तो इसलिए इसका नाम बॉटल ब्रश है इस फ्लावर का नाम। बहुत ही सुंदर लगते हैं और गर्मियों में काफ़ी खिलते हैं। जैसे पेड़ पूरा पेड़ रेड दिखता है, जैसे पहाड़ों में बुरांस खिलता है तो बहुत ही रेड दिखता है। और शहरों में ये ज़्यादा होता है ये प्लांट। और ये मैंने काफ़ी सारे कटिंग करके थी, बहुत बड़ा पेड़ था ये, क्योंकि ऊपर लाइट की लाइनें हैं तो इसको मैंने नीचे ही रखा हुआ है, ऊपर की कटिंग कर दी है। तो आजकल मेरे गार्डन में पिटोनिया के काफ़ी फ्लावर खिले हुए हैं। और ये डबल शेड में है, डबल लेयर वाली है और ये सिंगल लेयर वाली है। तो ये पिटोनिया है पूरा और ये येलो कलर के फ्लावर हैं। तो ये अब कुछ दिनों बाद पूरे ख़त्म हो जाएंगे और फिर यहाँ गर्मियों के फ्लावर लगाएंगे। तो काफ़ी सुंदर लग रहा, पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है। और ये देखिए, ये परमानेंट प्लांट है। मैं तो हमने होलिका नहीं बनाई, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था मेरी फ्रेंड का भी। और अभी जा रहे हैं हम पहले गोबर लेने के लिए। तो गोबर लेने के लिए हम डेयरी फार्म में जा रहे हैं जो घर के पास में ही है, तो वहाँ से गोबर लेके आएंगे, फिर वहाँ पे उनको लीपेंगे गोबर से। तो दोस्तों, इस डेयरी फार्म की बात मैं कर रही थी। यहाँ पर एक बड़ा सा डेयरी फार्म है घर के पास में ही, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो शाम के टाइम था तो ये यहाँ पे दूध निकाल रहे थे। 5 मिनट हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा और यहाँ से गोबर लेके हम दोनों घर आ गए थे। और यहाँ पे एक भैंस भी है सामने इन गायों के बीच में। यहाँ पे बना रहे हैं तो गोबर लेके यहाँ पे लीप लिया है हम लोगों ने। और ये लकड़ियाँ हैं जो कि वेदनाथ भैया द्वारा रखा जा रहा है यहाँ पर नींव लकड़ी की। भैया रख दो। और ये है वो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड पारुल अग्रवाल, जो अक्सर वीडियो में देखा जाता है। और वेदनाथ भैया आज दूसरी बार आ रहे हैं, एक बार थोड़ा से आ रखे हैं वीडियो में आयुष के साथ। और ये बच्चा पार्टी है, ये यहाँ पे घूम रही है बच्चा पार्टी। तो हमारी कॉलोनी में बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं आ रखा है। ये बच्चे पार्टी घूम रही है और लोग तो सब घरों में दुबके हुए हैं। और शाम को हम लोग बना रहे हैं होली का। और पीछे पूरा ये झाड़ है, पूरा झाड़ी जमी हुई है यहाँ पे, तो इसकी सफाई तो नहीं हो रही। फ्रंट में गाड़ियाँ लगी रहती तो इस वजह से यहाँ पे साफ़ सुथरा है। तो आज यहाँ से गाड़ी हटवा दी है, कुछ गाड़ियाँ हैं उधर, तो वो भी शाम तक जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन हटा देंगे। हम दोनों ने यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली बना दी, बेसिक रंगोली। और यहाँ पे होली लिख रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है? और भैया हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और ये भैया के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे है। होलिका का हमारा फाइनल लुक जो कि पूरा फ्लावर्स और रंगों से रंगोली बना दिया गया है। और ये है पारुल और रेखा के द्वारा बनाया गया ये रंगोली। रंगोली हैप्पी, ये होली है तो पारुल ने लिखा हुआ है और रंगोली में हम दोनों का हाथ है। तो हमारी होली बनके, होलिका बनके तैयार हो चुकी है।
और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।